आदरणीय अध्यक्ष जी, देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की तरफ गए बिना कोई चारा नहीं, और समय की मांग है कि अब समय नहीं गवा सकते, और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है। और ये भी माने स्वीकार होगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले, गुलामी के कालखंड के पहले ये देश आर्किटेक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी ताकत थी, पहचान थी। गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया, देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी, लेकिन वो भी समय बीत गया जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल से होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है। सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो, वॉटरवेज हो, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प देख रहा है। हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया भर में आज चौड़ी सड़कों की व्यवस्था होते थे, भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो समय था जिस प्रकार से अंग्रेजों छोड़ करके गए थे उसी भाव में जीते रहे। और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी, रेलवे आने धक्का मुक्की, रेलवे आने एक्सीडेंट, रेलवे आने लेट लतीफ, यही यानी एक स्थिति थी, लेट लतीफ में एक कहावत बनी गई थी, रेलवे आने लेट लतीफी। एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी, एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी, लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग, हर एमपी चिट्ठी लिखता है मेरे यहां वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट, देश में वॉटरवेज भी बन रहा है, आज वॉटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए, और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान, 4-5 दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला है, और इसलिए भारत के हर भूभाग को समाज की हर भावना से परिचित हूं, और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता, ये उसकी प्रकृति नहीं। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुश मिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा
जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया, आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे, उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था, जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया पता नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया, आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं, भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए के ऑर्डर आज एचएएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है, आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है, निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है।